अजय देवगन और काजल की शादी को कई साल हो चुके हैं, फिर भी दोनों के प्यार और दोस्ती दोनों बरकरार है। ऐसे में क्या आप यकीन कर पाएंगे कि काजल ने अजय को मारने के लिए एक चप्पल उठा ली थी? तो चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में कि आखिर वो वजह क्या थी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। काजल और अजय 24 फरवरी 1999 में शादी के बंधन में बंधे थे। अजय जहाँ शांत स्वभाव के थे तो वही काजल बहुत ही चुलबुली थी, लेकिन दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। आज भी बॉलीवुड में इनके प्यार की मिसाल दी जाती है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ का वो किस्सा जहां जब काजल ने अजय को मारने के लिए चप्पल उठा ली थी। इस बात का खुलासा काजल और अजय देवगन ने एक शो में किया था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई की, लेकिन इस बीच अजय ने काजल को कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने एक्ट्रेस ने अपनी सैंडल निकाल लिया था। दरअसल शो के रैपिड फायर राउंड में जब अजय से पूछा गया कि आपके हिसाब से इंडस्ट्री में किस एक्टर के साथ काजल की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो अजय ने काजल का मजाक बनाते हुए कहा कि क्या आपका ये कहना चाहते हैं कि इसे इस जनरेशन में वो किस एक्टर की माँ के रोल में फिट बैठेंगे। इस बात से काजल काफी गुस्सा हो गई और उन्होंने अजय को मारने के लिए अपने सैंडल निकाल ली। हालांकि दोनों के बीच ये सब मस्ती मजाक हो रहा था। वही इसके बाद जब अजय से ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा झूठ है जो इंडस्ट्री में सब बोलते हैं, तो अजय ने फटाक से इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर काजल अजय को देखकर कहती है कि तुम्हें घर जाना है या नहीं। बता दें कि काजल और अजय को 2 बच्चे पेरेंट्स हैं। बता दें कि काजल और अजय के 2 बच्चे हैं। इनकी जोड़ी आखिरी बार साथ में फिल्म तानाजी में दिखाई गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ। गुड बाय।